ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ दिनों से भावुक हो चले थे हम सब, आने वाली खुशियों को समाने चले हैं अपनी बाहों में। एक नन्ना सा मेहमान हमारे घर भी आने वाला है, हमारी इस फुलवारी को वो महकाने वाला है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू ध्रुव इन खुशियों के लिए। आने वाला जो होगा वो मीठी बगिया की फुलवारी का फुहार होगा, दादा दादी नाना नानी के प्यार का दुलार होगा, चाचा चाची जिनके कंधों पे बैठकर वो लॉन्ग ड्राइव की जिद करेगा, इसी बहाने चाची को भी आइसक्रीम मिलेगी रोज रात को, और छोटे चाचा चाची वो दो छोटे चाचा जिनकी वो गोद पे जिन्हें घोड़ा बना के वो पूरे मोहल्ले में घुमा करेगा या करेगी। कोई मैंने पक्षपात नहीं किया है, लड़का हो लड़की हो हमारे लिए वो स्वस्थ हो और मम्मी पापा का नाम वो रोशन करे। बिट्टू बुआ और धीरज जी मौसा जी के चांद का टुकड़ा होगा वो, बनी को बड़ा भैया कहने वाला होगा वो या वो, और जिन्नी बुआ से डांस सीखना और कुलदीप जी मौसा जी की दुकान के समोसे खाने का चैलेंज वो ही एक्सेप्ट करेगा। बुआ दादियां और फूफा दादा रेडी हो जाना, इस बार किसमी से काम नहीं चलेगा, कास्पा से काम नहीं चलेगा, बड़े गिफ्ट हैंपर्स लाने पड़ेंगे आपको। और लास्ट में हमारे घर की तो सेवाएं उसे लेनी ही पड़ेगी, वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग 18 साल तक फ्री रहेगी। खुशी दीदी, भीनी दीदी और दिशु का एटीट्यूड उसमें पूरा भरा हुआ होना चाहिए, और टिंकू और बनी की टीम का वो चैंपियन होगा। मेरी बस इतनी दुआ है, आप सब हमारे परिवार के लिए दुआओं में शामिल रहिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू गौरी मैम।